नमस्कार, बहराइच से बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें कि 25,000 का इनामिया अभियुक्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। कट्टा कारतूस बरामद। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक बहराइच डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र के निर्देशन में थाना खैरी घाट पुलिस को 23 मई को मुखबिर खास की सूचना पर 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। आपको बता दें कि प्रभारी निरीक्षक खैरी घाट श्री पंकज सिंह को समय करीब 7:30 बजे मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त आरिफ पुत्र सलारा निवासी बंजारन टाड़ा थाना कोतवाली नाना पारा अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से रामपुर धोबियाहार की तरफ से कस्बा शिवपुर की तरफ आ रहे हैं, जिस पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक खैरी घाट में हमराहियों के साथ एक घरा पुल के पास जाकर आने वाले अभियुक्तों का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल पर दो अभियुक्त आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गया तथा एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया। उक्त मुठभेड़ में उप निरीक्षक विजय सेन यादव व सूरज कुमार व संजय कुमार भी घायल हुए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए बहराइच से राजकुमार की खास रिपोर्ट। आज थाना खैरी घाट के एक घरा क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल की गई है, जिसमें 25,000 रुपये का इनामिया जो नानपारा से गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, वह पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। इसका नाम अभियुक्त आरिफ पुत्र सलारा निवासी बंजारन टाडा थाना कोतवाली जनपद बहराइच नानपारा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 9 अभियोग गोकसी गैंग रेप तथा गो तस्करी के पंजीकृत हैं। यह नानपारा से गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी जो चौकी इंचार्ज वैवाही और 2 आरक्षी हैं उनको भी मामूली चोटें आई हैं।